हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के इलाज का खर्च कम हो सकता है, बड़ी खबर इस समय की। और बड़ी खबर ये कि जो वीके पॉल कमेटी बनाई गई थी उसने प्राइवेट अस्पताल में मरीजों के इलाज पर खर्च होने वाले खर्च को एक तिहाई करने की सिफारिश की है। मतलब ये कि अगर 24,000 रुपए खर्च होते थे तो सिफारिश अगर लागू हो गई तो 8,000 रुपए ही खर्च होंगे। सवाल ये भी है कि प्राइवेट अस्पताल इसके लिए कितना तैयार होते हैं, लेकिन वीके पॉल कमेटी ने यह सिफारिश की है कि जो खर्चा है प्राइवेट अस्पतालों का उसको एक तिहाई कर दिया जाए। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, इस समय सरकार और प्राइवेट अस्पतालों को मिलकर आगे बढ़ना है, ऐसे में अगर सरकार के द्वारा इस सिफारिश को माना जाता है तो प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी एक मुश्किल हो सकती है और हो सकता है कि वो मना भी कर दे। देखिए शोभना, फिलहाल तो पोजीशन ये है कि वीके पॉल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे दी है और अभी अभी आई ताज़ा खबर के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है। साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। इस सिफारिश के तहत मैं आपको बता दूं शोभना, अब 8,000 से 10,000 रुपये प्रतिदिन आइसोलेशन बेड के लिए, 13,000 से 15,000 रुपये आईसीयू बिना वेंटिलेटर के पर डे, 15,000 से 18,000 रुपये आईसीयू वेंटिलेटर के साथ पर डे, जबकि इसके पहले जो दरें थीं वो थी 24,000 से 25,000 प्रतिदिन आइसोलेशन बेड के साथ, आइसोलेशन के बेड के लिए 34,000 से 43,000 प्रतिदिन आईसीयू बिना वेंटिलेटर के और 44,000 से 54,000 रुपये प्रतिदिन आईसीयू वेंटिलेटर के साथ। मौजूदा दरों में पीपीई किटों की कीमत नहीं थी जो पहले दरें थी, लेकिन अब जो नई दरें जारी की जा रही हैं उसमें पीपीई किट की भी कीमत इसमें जोड़ी गई है। शोभना, मैं आपको बता दूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक हुई थी उसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह से जो दरें ले रहे थे उसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, और उसके बाद अब पॉल कमेटी ने भी अपनी सिफारिश में साफ तौर पर कहा है कि इन दरों को एक तिहाई से कम कर दिया जाए, और इस सिफारिश को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मान लिया है। शोभना,